आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। तहसीलदार ने किया सिविल अस्पताल का निरीक्षण, रोस्टर सहित अस्पताल के विभिन्न कक्ष में देखी व्यवस्था, एनआरसी में बच्चों के परिवार से की चर्चा। सनावत नगर के सिविल अस्पताल में तहसीलदार ने निरीक्षण किया और वहां के रोस्टर की जांच कर विभिन्न कक्ष सहित एनआरसी में मरीजों के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में आने वाले मरीजों से भी चर्चा की। तहसीलदार अंतर सिंह गणेश अपने महकमे के साथ नगर के सीमांक सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने रोस्टर की जांच कर एनआरसी और अस्पताल के अन्य कक्ष, एक्सरे रूम, मेडिकल का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने मरीजों से चर्चा करते हुए अस्पताल के संबंध में जानकारी जमा की। तहसीलदार गणेश ने बताया कि एसडीएम पीके अगासिया के निर्देश के बाद अस्पताल के रोस्टर की जांच की गई। अस्पताल प्रभारी हंसा पाटीदार के साथ में अस्पताल के कक्षों का निरीक्षण किया, जहां पर कम चिकित्सक होने के बाद भी ठीक ढंग से संचालन किया जा रहा है। पत्रकारों के सवालों के जवाब में गणेश ने बताया कि यहां पर 6 चिकित्सकों को सप्ताह के 6 दिन सेवाएं देने के निर्देश मिले हैं, वो भी निर्देशों के बाद अपने दिन के अनुसार आकर सेवाएं दे रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को अस्पताल में चिकित्सकों की कमी को लेकर पत्र भी दिया जाएगा। इस दौरान श्री गणेश को बगीचे के कार्य के लिए अस्पताल प्रभारी द्वारा पैवर लगाने की बात कही। इस दौरान नाम तहसीलदार प्रवीण सिंह चंगर सहित विभाग के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। एसडीएम महोदय के आदेश अनुसार रोस्टर निरीक्षण के तहत हम आए थे, एनआरसी भी देखी और अन्य व्यवस्थाएं भी सिविल सर्जन मैडम ने दिखाई हमको, लिखा है, कलेक्टर महोदय को भी लिखा है और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराया, ऐसा कहना है, और हमारे माध्यम से भी हम कलेक्टर महोदय को लिखेंगे इस संबंध में। कुल 12 कुछ 7 डॉक्टर यहाँ पर पदस्थ किए थे, 6 की नियुक्ति करी पेरी पेरी। अभी वर्तमान में डॉक्टर की नियुक्ति करी, इस संबंध में हम बात करते हैं। हमने कुछ बताया होगा मैम, ने डॉक्टर की कमी की समस्या बताई है और दूसरा तो सब व्यवस्थित चल रहा है,